भाइयों बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहां जब बाय रोड आ रहा था, पूरे रास्ते पर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर है। अरे मोदी जी, हेलीकॉप्टर से रोड पर वही लोग चलते हैं जो सफाई करने से पहले खुद ही कचरा फैलाने का काम करते हैं, और हेलीकॉप्टर से रोड पे चल रहा था। कल को बोलेंगे कि गाड़ी से पैदल जा रहा था, रोटी से चावल खा रहा था, बीजेपी से करप्शन छुपा रहा था। खैर, ये वाला तो सच है, बात सही है। और यार, तुम लोग भी फालतू में बोलना बंद करो। वो एम्स दरभंगा ऑलरेडी बना चुके हैं, और क्या चाहिए तुम लोगों को। अब वो हेलीकॉप्टर से रोड पर चल सकते हैं, उनके पास एक स्पेशल लाइसेंस है इस चीज के लिए। अब वैसे मोदी जी ने जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बात बोली है, अरे भैया सबसे पहले तो चंदा इकट्ठा करो, इनको दो चार टेलीप्रॉम्प्टर गिफ्ट करके आओ। इस बात के ऊपर मीम्स बहुत सारे बन रहे हैं और लोग अलग अलग वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि कैसे आखिरकार मोदी जी हेलीकॉप्टर से रोड पे चल रहे हैं। अपने स्क्रीन पर इन मीम्स को भी देखो, मजेदार है। भाइयों और बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहां जो बाय रोड आ रहा था, पूरे रास्ते पर ऐसा एक भी हेलीकॉप्टर से यहां जो बाय रोड आ रहा था, पूरे रास्ते पर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। अब जहां पर मोदी जी ने हेलीकॉप्टर से रोड पे चलने का स्पेशल ज्ञान बिखेरा है, उसी के साथ मोदी जी एक चीज और है जो बार बार अपनी रैली पे रिपीटेड मोड में बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, कंटेंट खत्म हो चुका है। मोदी जी कह रहे हैं कि भैया जो पिछले 10 साल देखा है, चाहे वो कितना भी कुछ कर दिया हो मैंने, लेकिन वो सिर्फ एक ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी। सबसे पहले तो मोदी जी, शाहरुख खान के डायलॉग चुराना बंद कर दो। भाइयों बहनों, ये जो किया है वो भले कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मोदी के मन की बात बता देता हूं, ये जो कुछ भी किया है ना, वो तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी काम करने की बात कर रहे हैं या लोगों को धमकियां देने का काम कर रहे हैं। यहां पर तो मोदी जी के अपने भी भक्त परेशान हो जाएंगे, सोच रहे होंगे कि भैया पिछले 10 साल में हमारा काम रोजगार सारा छिन चुका है, जेब में हमारे अल्लाह ढिल्ला बचा नहीं है, अगर ये ट्रेलर था तो फिल्म आखिरकार कैसी होगी, भिकमंगा बना के छोड़ोगे क्या मोदी जी। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं एक और ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में। इलेक्शन कमीशन, अभी तक तो विपक्ष की कोई बात नहीं सुन रहा था, अब ये रिसेंटली पता चला है कि इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष की पार्टियों को, नेताओं को गालियां भी देना शुरू कर दिया, वो भी गंदी गंदी गालियां, जैसे सड़क छाप गटर छाप लोग गालियां देते ना, वैसी वाली गालियां देनी शुरू कर दी हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, हरियाणा के कैथल में चुनाव आयोग की वेबसाइट ही पूरी हैक हो गई, और वहां पर हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी के एक नेता ने रैली के लिए परमिशन मांगी। अब उस परमिशन को तो डिनाई कर दिया गया, लेकिन साथ में लिखा क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट लगाया गया है, पॉज करके पढ़ना इसको, आखिरकार क्या लिखा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तेरी मां का डैश, पता नहीं कौन सी भाषा है भाई। जो इलेक्शन कमीशन विपक्ष के नेताओं के लिए इस तरीके की घटिया गलीज भाषा इस्तेमाल कर रही है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी। बहुत अच्छा जोक मारा है यहां पर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और सीजीआई का एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जहां पर सीजीआई ने बोला है कि बी लॉयल टू कॉन्स्टिट्यूशन नॉट पॉलिटिकल पार्टीज। सीजीआई ने ये अलग अलग जजेस को नसीहत दी है, और ये अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को, एक खास पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए विपक्षी पार्टियों के नेता के ऊपर कुछ भी उल्टे सीधे फैसले लेने का काम कर रहे हैं, या फिर कई कई महीनों तक उनको बेल नहीं ग्रांट करते हैं, वो भी बिना किसी रीजन के। अब इसी को लेकर के सीजीआई का ये वाला स्टेटमेंट सामने आया। In a vibrant and argumentative democracy like ours, most individuals have a political ideology or inclination. To quote Aristotle, human beings are political animals. Lawyers are no exception. However, for members of the bar, one's highest loyalty must not lie with partisan interests, but to the court and the constitution. भाई सीजीआई तो पूरी तरीके से मोदी जी के पीछे हाथ धो करके पड़ चुके हैं। आपको पता है ना, अभी थोड़े दिन में वो वाला मैटर भी आने वाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर वीवीपैट की स्लिप्स को ईवीएम से क्रॉस चेक करने की बात करी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जितने भी वोट्स पड़ेंगे उसमें वीवीपैट को काउंट किया जाएगा और क्रॉस चेक किया जाएगा। अरे भैया, वो पार्टी जो अनिल मासी जैसे लोगों के ऊपर डिपेंड करती है एक छोटा सा छुटभैया चुनाव जीतने के लिए, जब वीवीपैट को काउंट किया जाएगा ईवीएम के साथ, भाई तोते उड़ जाएंगे, तोते इन
लोगों के। इसी के साथ आगे चल के आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख से एक बड़ी न्यूज सामने निकल कर आई है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तालियां हो जाए भैया इन लोगों के लिए। लद्दाख में सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है मदर ऑफ डेमोक्रेसी के द्वारा। जी हाँ, इसलिए लागू किया गया क्योंकि सोनम वांगचुक जो है वो एक नया मार्च करने वाले थे यहां पर, और इंडिया चाइना के बॉर्डर तक वो जाने वाले थे अपने इस मार्च में। सोनम वांगचुक का यहां पर ये कहना है कि 3000 किलोमीटर जो है जगह वो चाइना ने इंडिया की घेर ली है, और इसलिए सोनम वांगचुक जो है अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए इस मार्च को कर रहे थे जहां पर वो चाइना के इंडिया के बॉर्डर तक जा रहे थे। लेकिन भैया हमारे मोदी जी हैं बिल्कुल एकदम मास्टर स्ट्रोक मारते हैं, उससे पहले ही आकर के वहां पर इंटरनेट बैन कर दिया। 10 किलोमीटर के एरिया में पूरा इंटरनेट बैन है, सेक्शन 144 लगा दिया गया है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यस। आज रात और कल में पूरे ले शहर को मतलब एक छावनी, एक वॉर जोन की तरह बना दिया जाएगा। हर रास्ता जो ले की तरफ आता है उस पे नाकेबंदी होगी, पुलिस होगी, आंसू गैस होंगे, स्मोक ग्रेनेड्स होंगे, ये रायट गियर्स होंगे, ये सब दिखाया जा रहा है ताकि लद्दाख के लोग ले की तरफ आ ही नहीं पाएं और ऐसा कोई मार्च भी ना हो। तो इतनी बौखलाहट सरकार में क्यों है, ये अपने आप में एक जवाब सा बन गया है कि कितना छुपाने को है, कितना दिखाने को है। इस समय लद्दाख बहुत संवेदनशील है। देश के सभी नेता, खासकर सैनिक नेता, सैनिक विद्य, ये बोल रहे हैं कि लद्दाख बहुत संवेदनशील है, सीमा पर है, मगर उसकी परवाह सरकार को नहीं लगता है कि सीमा के संवेदनशीलता से राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा अगर लद्दाख के लोगों के मन को ठेस पहुंचे। अच्छा, आप लोगों को याद है भी थोड़े दिन पहले जब राहुल गांधी ने वायनाड में अपना पर्चा दाखिल किया था, तो ये न्यूज निकल के सामने आई थी कि देखो भाई राहुल गांधी ने कितनी जगह पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। यस, इतने पैसे राहुल गांधी कमा रहे हैं, इतने पैसे कमा चुके हैं। अब इन लोगों ने इसके बारे में तो बात कर ली कि राहुल गांधी कितने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अपने नेता के बारे में कौन बताएगा, कौन बताएगा? तेजस्वी सूर्या की जो संपत्ति है वो पिछले 5 साल में 30 times बढ़ चुकी है। जी हाँ, 30 times बढ़ चुकी है। लेकिन भाई अभी भी जय शाह को मात नहीं दी तेजस्वी सूर्या ने, जय शाह का रिकॉर्ड अभी नहीं तोड़ पाए। अब सोचो वो पार्टी जो कह रही है कि हम तो भ्रष्ट है ही नहीं, उस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है वो 5 साल में 30 times अपनी इनकम को बढ़ा ले रहे हैं या फिर अपनी नेटवर्थ को बढ़ा ले रहे हैं। अब ये डेफिनेटली कोई बहुत साफ सुथरे काम करके तो हुआ नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, और जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो चोर पकड़ा ही नहीं जाएगा। जब चोर पकड़ा ही नहीं जाएगा तो मोदी जी बोलेंगे ना कि मोदी की गारंटी है। मित्रों, अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन असली खबर आप तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे हम कहीं पर भी बैठे हुए हो। अब आपका इस खबर के ऊपर क्या रिएक्शन है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।